हेलो दोस्तों दोस्तों क्या आप इस बात से चिंतित हैं कि एटीसी का अकाउंट फ्रीज हो गया है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एटीसी का जो अकाउंट है वो फ्रीज किया है। ये बहुत सी जो न्यूज़ है वो आपके यूट्यूब पे सुनाई दे रही होगी, दिखाई दे रही होगी फ्रेंड्स। तो उसी के बारे में फ्रेंड्स अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो देखते रहिए इस वीडियो कम्प्लीट तक फ्रेंड्स। तो मित्रों मैं अनिल रणनाकोटी हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने इस वीडियो चैनल में, इस वीडियो ट्यूटर में, इसमें मैं आपके लिए लेकर आता हूं मनी मेकिंग टिप्स। फ्रेंड्स मेरे चैनल में आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में, यूट्यूब चैनल के बारे में, इंटरनेट बिजनेस के बारे में, MLM के बिजनेस के बारे में और घर बैठे किस तरह से इनकम जनरेट करें इसके बारे में समय समय पर अपडेट मिलता रहता है। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है फ्रेंड्स तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं जिसका जो वीडियो डिस्क्रिप्शन है मैंने उसमें लिंक सेंड किया हुआ है। आप मुझे फेसबुक पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स और आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इन लेटेस्ट अपडेट के लिए फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल में। प्लीज़ इसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, इस पे जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए ताकि मैं मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके साथ कनेक्ट रहूं और आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करता रहूं फ्रेंड्स। तो देखते रहिए अनिल के साथ, सीखते रहिए अनिल के साथ। हेलो दोस्तों इसको अपडेट देने से पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक छोटा सा चुटकुला। एक बार क्या होता है कि एक IAS ऑफिसर रहता है, वो बहुत ही ईमानदार रहता है। ईमानदार होने की वजह से क्या होता है कि उसका जो बैंक अकाउंट था वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, बहुत अच्छा घर वो बना नहीं पाता है। तो उसकी जो बेटी रहती है उनकी शादी नहीं हो पा रही थी, तो वो एक एक्सपर्ट के पास जाता है राय लेने के लिए कि सर मेरी बेटी की शादी नहीं हो पा रही तो मैं ये करो। तो वो जो सज्जन होते हैं बड़े स्मार्ट होते हैं, वो उसको राय देते हैं अगर आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है तो इसके पीछे आपका कोई कारण होगा। तो जवाब देता है मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, अगर तुम्हारी ईमानदारी का ही कारण तो है कि तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो पा रही, दैट इज़ इंडिया फ्रेंड्स। तो क्या होता है उनको राय देता है कि आप अपने घर पे इनकम टैक्स का छापा पड़वा लीजिए, आपकी बेटी की शादी हो जाएगी। तो उन्होंने कुछ दिनों के बाद ऐसे ही हुआ, उनके घर में इनकम टैक्स का जैसे ही छापा पड़ा अगले दिन से बेटी के लिए रिश्ते ही रिश्ते आने शुरू हो गए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये तो थी चुटकुले की बात, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ATC कॉइन की कि ATC कॉइन पे किस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे फ्रीज हो गया है, अकाउंट सीरीज हो गया है। तो दोस्तों इसके लिए कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं 3 साल से लगातार ये इंटरनेट बिजनेस में जुड़ा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैं एक साइट, बहुत पुरानी साइट, जो पुराने लोग ऑनलाइन बिजनेस में होंगे उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी होगी, जो नए लोग हों शायद उनको अभी इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। माय पेइंग एड साइट थी जिससे मैंने ज्वाइन किया था लगभग 23 जुलाई 2015 को, जुलाई में करीब मैंने साइट को ज्वाइन किया था और लास्ट टाइम अभी ये साइट बंद हो चुकी है 19 अगस्त को ये मैंने चेक किया था, अभी भी ये साइट दिखाई दे रहा है। इसमें दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि मैंने लगभग इसमें $200 लगाए थे और करीब ये $7,000 करीब मैंने इसमें से अर्न किए हैं। तो इसका अपडेट मैं आपको ये देना चाहूँगा, साइट को बैन लगा दिया था, सीज कर दिया था और हमारा जो पैसा था वो बिल्कुल ब्लॉक हो गया था। 6 मंथ तक इस कंपनी ने कोई पे आउट नहीं दिया, लेकिन आफ्टर द 6 मंथ जिस आदमी का जितना पैसा था 6 महीने के बाद हम लोगों को हमारी कंप्लीट 2016 में स्टार्टिंग में सारा का सारा पैसा वापस मिला। 2016 में हमने दोबारा इस बिजनेस को स्टार्ट किया और 2017 में करीब बंद हुई थी। तो यानी दोस्तों इस बिजनेस से हमने बहुत अच्छी अर्निंग की और जब भी ये साइट बंद हुई थी तो इसके एडमिन ने कहा था कि इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे, अभी साइट स्टार्ट होने का हम लोग वेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स कहने का मेरा यही मतलब है कि आप बिल्कुल भी पैनिक ना होइए, अभी ये जो साइट ATC की साइट है बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, मेरा अकाउंट है। अभी देखिए आप ATC का जो प्राइस है 63 हो चुका है और दिन में जो ये प्राइस था जो बना रहा था तो उस समय जो टाइमिंग था यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये करीब करीब जो टाइमिंग था आप देख सकते हैं, ये टाइमिंग 1:51 पे, 1:51 पे जो इसका रेट गया था 32 रुपये तक गया था फ्रेंड्स। और अभी आप लाइव देख पा रहे होंगे कि जो इसका 60 रुपये करीब चले गया है। तो फ्रेंड्स बहुत से लोगों ने क्या किया, जब इसका रेट कम हुआ तो बेचना शुरू कर दिया
और अब वो लोग थोड़ा हो सकता है पछता रहे हों कि उन्होंने उस टाइम पे उसको बेच दिया। मेरी टीम में एक पर्सन है, उन्होंने जैसे इसका रेट 32 गया उन्होंने 1,00,000 के 86 कॉइन खरीदे और अभी अभी अगर आप कैलकुलेट करें तो उन्हें करीब करीब 2 से 2.5 लाख का प्रॉफिट हो गया। फ्रेंड्स, किसी सिस्टम में जब खास आदमी पैसे कमा लेता है तब उसके बारे में आम लोगों को पता चलता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़ोरदार बिजनेस है। इस बिजनेस में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस बिजनेस में रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हैं, आप बिजनेस कीजिए, बिल्कुल पैनिक मत होइए। अभी जो ये FI उठ रही है या जो कंपनी का अकाउंट फ्रीज किया है, वो सारा का सारा जो इसके ऑनर हैं सुभाष सर, वो हैंडल कर लेंगे। हमारा काम है बिजनेस करना, इस कॉइन को बढ़ाना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फ्रेंड्स, कंपनियां इन्वेस्टिगेट करने के लिए इनकम टैक्स ने इसको फ्रीज किया है, इसके अकाउंट को चेक करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स होने के बाद ये बिल्कुल साइट नॉर्मल हो जाएगी, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, सब कुछ सब नॉर्मल तरीके से बैठा चलेगा। तो आप ATC कॉइन करते रहिए, बिजनेस बढ़ाते रहिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए हर समय तैयार रहिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो खत्म करना चाहूँगा। देखते रहिए अनिल के साथ, सीखते रहिए मेरे साथ। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग। फ्रेंड्स, मिलते हैं नए रेट पर।